जैन साथियों, देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आप सब जानते हैं सीबीआई किसके इशारे पर काम करती है। जी हां, मोदी सरकार के इशारे पे गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया। उनका जुर्म क्या है? अपराध यह है कि वो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का जो मॉडल दिया उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल दिया मोदी जी। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपकी किसी भी कार्रवाई से हम लोग न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न आपकी बंदर घुड़कियों से पीछे हटने वाले हैं। कल से हम लोगों को, हमारे कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी को, हमारे विधायक ऋतुराज झा जी को, दिनेश मोहनिया जी को और रोहित महरोलिया जी को, कई पार्षदों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को फतेहपुर बेरी का जो दिल्ली का थाना है यहाँ पे रखा हुआ, लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना जुल्म करना चाहते हो करो, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष अन्याय, अत्याचार और नरेंद्र मोदी जी आपके तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगा। आप बताइए, आपका सबसे करीबी दोस्त लाखों करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है अडानी, उसके खिलाफ सीबीआई कब गई? उसके खिलाफ सेबी ने क्या कार्रवाई की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? उसके खिलाफ ईडी ने क्या कार्रवाई की? एक ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो मॉरिसस में एक पते पे 6 कंपनियां खोल के 42,000 करोड़ रुपए अपनी ही कंपनियों में लगाता है इंडिया के अंदर, उस पर आपकी सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती? जिसके पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, उस पर आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करते? तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को, जो देश की राजनीति में बेहतरीन काम करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है उसको ध्वस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी दिन रात जुटे हुए हैं। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का जो केजरीवाल का मॉडल है, और इसीलिए उनके सबसे लोकप्रिय, सबसे अच्छे मंत्री को उन्होंने गिरफ्तार किया है। साथियों, संघर्ष जारी रखना है, लड़ना है जुर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, मोदी की तानाशाही के खिलाफ। जय हिंद। और ये देखिए, हमारे तमाम साथी हैं यहाँ पे जिनको गिरफ्तार करके कल से यहाँ थाने के अंदर रखा गया है। लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। उधर गोपाल राय जी हैं, रोहित महरोलिया जी हमारे विधायक हैं, गोपाल राय जी, आदिल खान हमारे जो मंडी के चेयरमैन हैं वो भी हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि गोपाल राय जी, ऋतुराज झा, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं थाने के।